नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज का हमारा जीएस से इतर है, जीके से इतर है, हिंदी का टॉपिक है। और हिंदी में हमने इस पहले टॉपिक में लिया है जो याद करने वाला ज़्यादातर सेक्शन है, उसे लगभग एक एक करके क्लास करके आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और आप यहाँ से याद भी कर लेंगे, यदि किताबों में मन नहीं लगता है तो चैनल के माध्यम से आप अवश्य पढ़िए। क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपके लिए, और क्लास को सबसे पहले शेयर कर देंगे और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। तो हिंदी का जो हमारा टॉपिक है, जो यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, जहाँ जहाँ हिंदी आती है वहाँ सिलेबस में शामिल भी है ये टॉपिक, महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं की बात करेंगे जो कई बार रिपीट होते रहते हैं लगातार एग्जाम में, चाहे यूपी टेट, सी टेट, बी एड, बी टी सी, जहाँ भी हिंदी का सिलेबस रहता है वहाँ वहाँ पर ये बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, है ना। या पुलिस एसआई की बात करें, वहाँ से भी ज़्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाओं को और लेखकों को मैंने इस क्लास में शामिल किया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे, आराम से नोट करेंगे धैर्य से और इत्मीनान से, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताएंगे आप हमें, ठीक है। वैसे जीएस पढ़ाते हैं लेकिन हिंदी में भी कुछ क्लासों को आपके लिए यूट्यूब चैनल के, देवेंद्र क्लासेस अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए रखते हैं, है ना। और प्ले लिस्ट में ये अलग से प्ले लिस्ट इसकी आपको मिलेगी, वहां से आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो देखते हैं लेखक और रचनाएं। तो देखो कुछ ऐसे पॉइंट लिखे मैंने जो ज्यादातर रिपीट हुए हिंदी में लेखक रचना, इन्हें तो आप कंटस्ट कर लेना और रट लेना। तो हेडिंग आपको पता ही है, लेखकों की बात करेंगे और लेखक ने जिन रचनाओं को लिखा है या उपन्यासों को लिखा है उनके विषय में हम बात करेंगे। हालांकि ये पूरा संपूर्ण क्लास नहीं है, इसकी एक सेकंड वीडियो और लेकर के आऊंगा मैं, तब कंप्लीट होंगी रचनाएं, है ना। ये पहला पार्ट है इनका, तो नोट करेंगे। इसमें सबसे पहला मैंने लिखा है पॉइंट, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि, नोट कर लेना, छाप लेना। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि के रूप में कौन से कवि को जाना जाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी इनको, है ना। किसकी उपाधि दी गई? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। किन को जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे? बिहार के। बिहार में जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। तो राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। इनकी एक रचना, एक कविता की बात करें तो भारत भारती, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, उसके बारे में डिटेल से अगर यदि आप जानेंगे तो उस रचना ने भारतीय आजादी के लड़ाई के आंदोलन में लोगों को एक तरीके से प्रभावित किया। कौन सी रचना ने? भारत भारती नामक रचना ने आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को प्रभावित किया। तो इस आधार को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। कौन से व्यक्ति ने? महात्मा गांधी जी ने। तो लिख भी लेना, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, वर्ष 1912 की बात है ये। और महत्वपूर्ण जो रचना रही वो कौन सी? भारत भारती। हालांकि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, वो शामिल करी हैं, मैं अभी चर्चा भी करूंगा, लेकिन राष्ट्रकवि किसे कहा गया? मैथिली शरण गुप्त को। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। और रचना भारत भारती जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि कहा। अच्छा, दूसरे राष्ट्रकवि भी हैं, दो लोगों को हिंदी में राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया या राष्ट्रकवि जैसा नाम दिया गया, विभूषित किया गया राष्ट्रकवि शब्द से। राष्ट्र का मतलब पूरे राष्ट्र के कवि है ना। ऐसी इन्होंने रचनाएं करी हैं अपने जीवन में जिससे लोगों का सीधे सीधे सरोकार रहा है, लोगों से संबंधित रही है या लोगों की समस्याओं को रखा है इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, है ना। तो राष्ट्रकवि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया। तो दूसरे व्यक्ति जिनके बारे में चर्चा होती है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन से? रामधारी सिंह दिनकर। इनको दूसरा राष्ट्रकवि कहा गया है। तो दो राष्ट्रकवि, पहले मैथिली शरण गुप्त, तो दूसरे रामधारी सिंह दिनकर। इनको भी रट लेना, याद कर लेना। इनको अगर बात करें तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन से रस के कवि माने गए? वीर रस की ज्यादातर इन्होंने रचनाएं लिखी है, वीर रस से संबंधित रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी अभी रचनाओं के विषय में भी बात करेंगे, जैसे रश्मि रथी और उर्वशी, बहुत फेमस है इनकी रचनाएं लिखी हैं, लिख लेना। एक रश्मि रथी है और एक उर्वशी है, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये दोनों की दोनों, रश्मि रथी और उर्वशी, नोट कर लेना। दूसरे राष्ट्रकवि। आगे बात करते हैं प्रकृति का, सुकुमार कवि किसे कहा गया है? किसका? प्रकृति का। प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचुरल की बात कर रहे हैं ना, पेड़ पौधों की बात हो रही है, जंगलों की बात हो रही है, ऐसे समझ लो सरल भाषा में। सबसे ज्यादा अगर हिंदी के रूप में, जहां तक इनके बारे में ये नाम पढ़ा या ये नाम से सम्मानित किया गया इनको या विभूषित किया गया, तो पेड़ों से, पौधों से, प्रकृति से विशेष लगाव रहा। ये अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं इन्होंने प्रकृति को शामिल किया गया है, ठीक है, पेड़ पौधों को शामिल किया है अपनी रचनाओं में। इस वजह से प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया इनको। किनको कहा गया? सुमित्रा नंदन पंत को। तो आंसर क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी पल्लव,
जो कई बार एग्जाम में लगातार पूछी जाती है, कौन सी रचना है? पल्लव। ये नोट कर लेना, प्रकृति का, प्रकृति से संबंधित कवि रहे, इस वजह से बोला गया। आगे बात करते हैं आधुनिक युग की मीरा, ये वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए एग्जाम में। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री रही। किसकी कवयित्री रही? छायावाद की कवयित्री रही। ये अलग अलग वादों में हिंदी को डिफाइन किया गया है, तो छायावाद की कवयित्री थी। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था होली के दिन 1907 में। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था होली के दिन। छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री रही, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में भावना है, वेदना है ना, भावनात्मक रूप से लिखी गई रचना है, वेदना रूप से लिखी गई रचना है, इस वजह से आधुनिक युग की मीरा कहा गया इनको। ठीक है, नोट कर लेना। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नोट कर लेना, खड़ी बोली का यदि जन्मदाता का प्रश्न आता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं जन्मदाता। कई बार क्वेश्चन आता है खड़ी बोली से, गलत नहीं करना है, जन्मदाता में आंसर लगाना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि खड़ी बोली के पहले कवि बताइए। देखो जन्मदाता अलग पॉइंट है और पहले कवि अलग पॉइंट है, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। पहले कवि के रूप में बात करते हैं तो अमीर खुसरो, जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ के निवासी थे? एटा के। उत्तर प्रदेश के एटा के निवासी थे, पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं जी। ठीक है, खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो, लेकिन जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र, नोट कर लीजिएगा। अब खड़ी बोली के पहले महाकाव्य की बात करें, पहला महाकाव्य कौन सा जो खड़ी बोली में लिखा गया? तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लो इसे। किनका है? हरिऔध। ये नाम शॉर्ट में लिखा है, पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पूरा नाम है इन कवि का। तो इनके प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य को पहला महाकाव्य खड़ी बोली का जाना जाता है, और खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध कवि भी रहे, जो है ना, खड़ी बोली में सबसे प्रसिद्ध कवि भी रहे हरिऔध। आगे बात करते हैं सबसे पहले प्रयोग किसने किया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जी खड़ी बोली से लिख रखे मैंने, प्रयोग की बात हो रही है तो किसने किया? लल्लू लाल और सदल मिश्र, दोनों ने मिलकर किया प्रयोग, दोनों लेखकों ने, है ना। अब बात करते हैं हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य, तो हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं ना कि खड़ी बोली में, है ना, पृथ्वीराज रासो, नोट कर लेना। थे पृथ्वीराज से संबंधित है, अगर जीएस पढ़ी तो याद आ रहा होगा, इसी वजह से ये नाम दिया गया पृथ्वीराज। आगे बात करते हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। इनका उल्लेख 8वीं शताब्दी में हिंदी में कहा गया है, पहले कवि के रूप में सरहपा को जाना गया है, 8वीं शताब्दी में इनका उल्लेख है, 8th सेंचुरी में। जीएस पढ़ाने की आदत है तो वो बड़े सब लिख लेते हैं, कौन ना कौन तो ढूंढ गया मैं, है ना। तो 8th सेंचुरी के कवि रहे। हिंदी की पहली अगर कहानी की बात करें, पहली कहानी कौन सी थी? तो इंदुमती पहली कहानी केशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई? राइटर कौन थे, लेखक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी थे इसके पहले राइटर, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं पहले उपन्यास की। तो पहला उपन्यास परीक्षा गुरु बहुत आया भैया, यूपी टेट सी टेट के जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें तो बहुत ही आया है, सुपर टेट तक भी पूछा गया है, और पुलिस या किसी के एग्जाम के लिए भी आप याद रखेंगे। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था ये, किसने लिखा? लाला श्रीनिवास। क्या नाम है? परीक्षा गुरु पहला उपन्यास। हिंदी की प्रथम पत्रिका, पहली पत्रिका हिंदी की संवाद कौमुदी, जे हिंदी में भी निकलती थी और बांग्ला भाषा में भी निकलती थी। इस पत्रिका को हिंदी में भी निकाला गया और बांग्ला भाषा में भी, बंगाल से कलकत्ता से प्रकाशन होता था। हिंदी की पहली पत्रिका थी संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाली गई। किन के द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, कलकत्ता से, नोट कर लेना, है ना। 1821 की बात है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र की बात करें, दैनिक मतलब समझ रहे, पर डे निकलता था अखबार, सुधा दर्पण, जी हिंदी का पहला अखबार था जो पर डे निकलने वाला था, कलकत्ता से ही छपता था, 1854 से 72-73 तक छपता रहा। ठीक है, पहला अखबार सुधा दर्पण हिंदी का। अब पहली एकांकी की बात करते हैं, तो पहली एकांकी कौन थी हिंदी की? एक घूंट, और ये इसको किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने, और कौन सी वर्ष में लिखा? 1929 में। हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट थी, जैसे कहानी होती है, जैसे उपन्यास होते हैं, ऐसी हिंदी में एकांकी भी बोला जाता है, बहुत सारे अलग अलग कवियों की और लेखकों की है। तो एक घूंट पहली हिंदी की एकांकी मानी जाती है, जो कि जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा, और कौन सी वर्ष में लिखा? 1929 में लिखा। फिर वर्ष ढूंढ ली, चूंकि जीके पढ़ाते तो वर्ष ढूंढ लेते हैं हम, है ना, इस पॉइंट को बताने में। आगे बात कर रहे हैं हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दरोगा के पेपर में तो हजारों बार छप चुका है, है ना, पुलिस के तो छोड़ो एसआई के एग्जाम्स में आ चुका है आसपास। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को, कौन सी कविता के लिए? चिदम्बरा के लिए, और कौन सी वर्ष में दिया गया? 1968 में दिया गया, 1968 में दिया गया, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। अब ये लेखक है और रचना है, फटाफट इन्हें रट लो और याद कर लेना, दो चार बार देख लेना, मैं फटाफट से इनको बता देता हूँ।
भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ये वो रचनाएं ली हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में भैया रिपीट हुई हैं, और इनको आप पढ़ते रहिए। इसके अलावा दूसरा वीडियो लाएंगे इसी का, उसमें भी कवर करेंगे बहुत सारी लेखक और रचनाओं को, ठीक है? इसी का आप एक तरीके से मिश्रण बना के, सॉल्यूशन बना के पूरा घोल के पी जाना और रट लेना, ठीक है? यहीं से आपका क्वेश्चन आना ही है। परमाल रासू की बात करें, जगनिक ने लिखा है बीजक, आपने पढ़ा ही होगा, 10th से पढ़ते आ रहे हैं बीजक। सबद और रमैनी, सबद भी है और रमैनी भी है, किसकी रचना है? कबीरदास जी की है, बचपन से पढ़ रहे हैं। एक लिख लो सबद है इनकी, और एक कौन सी है? रमैनी, कबीरदास जी की रचना है। चंदायन की बात करें, मुल्ला दाऊद ने लिखा है। मृगावती कुतुब नामक लेखक ने लिखी है। पद्मावत बहुत फेमस है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। फ्लो में इस वैसे बता रहा हूँ जो आपको पढ़नी है, रटनी है, याद करनी है, बिल्कुल घोल बना के पी जाना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा क्लास को। सूर सागर किसकी है? सूरदास जी की। जन्म कहाँ पे हुआ था कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रेम वाटिका रसखान की, रसखान का जन्म बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ पे हुआ था। सुदामा चरित, सुदामा के चरित्र के ऊपर लिखी गई कविता है, नरोत्तम दास नामक कवि ने लिखा है। रामचंद्र का है, आचार्य केशव दास ने लिखा है। नाम क्या है इसका? रामचंद्र का। हालांकि भगवान राम के ऊपर तुलसीदास जी की ज्यादा है, लेकिन रामचंद्र का आ जाए तो केशव दास आंसर लगाना है। प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल की है, ठीक है? सतसई मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है, सतसई बिहारी की है जी। बिहारी सतसई उनका नाम भी है, लेखक है जाने माने, तो उन्होंने लिखा है इसको। भारत दुर्दशा किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। प्रिय प्रवास पहला महाकाव्य खड़ी बोली का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है ये प्रिय प्रवास। उर्वशी किसकी रचना? मोस्ट इंपोर्टेंट रामधारी सिंह दिनकर की। अभी बताई मैंने उर्वशी और रश्मि रथी, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है दोनों रामधारी सिंह दिनकर की। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी की। और एक कुकरमुत्ता भी है, एक अनामिका है जो कई बार पेपरों में आती है, कुकरमुत्ता भी पूछी गई है। कुकरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये छोटा सा सेगमेंट था, वीडियो था, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और दूसरा वीडियो अवश्य लाएंगे, और रचनाओं को इसमें कंप्लीट कर देंगे आपके लिए, जितने भी ज्यादातर एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन उन्हीं को पढ़ाएंगे आपको इसमें, है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, उसमें सुधार करके अगली क्लास में अवश्य बताएंगे, और जो याद करने वाले ज्यादातर टॉपिक है हिंदी के, वो एक एक करके आपके लिए पढ़ाते रहेंगे जीएस के साथ साथ, ठीक है सर? तो अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, नमस्कार।